जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में, क्या संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में। तो हम बात करेंगे उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में। तो पहले एनजी की चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। एनजी के लिए हमें रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है 140 के आसपास। लास्ट वीक में मिले थे उस टाइम पे भी यही एक लेवल हमने 137-140 के आसपास चर्चा किया था कि इसके ऊपर एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकते हैं। तो ज़्यादा तेजी तो नहीं हुई, 8-1 पॉइंट की तेजी हुई। यहाँ पर 2 दिन पहले थर्सडे को चर्चा करी थी कि अब जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, हम मंडे टू फ्राइडे एनजी क्रूड दोनों के बारे में रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। लगभग लगभग 11 बजे के आसपास यूट्यूब पर वीडियो आ जाता है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर हमने वीडियो में चर्चा करी थी कि जब तक ये 148-150 के ऊपर ना जाए तब तक एनजी में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। यहाँ पर यही लेवल के आसपास चर्चा किया था। तो लगभग वो लेवल से भी देखेंगे दोस्तों तो तकरीबन तकरीबन 13-14 पॉइंट से भी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। नीचे सपोर्ट दोस्तों हमने पहले भी चर्चा नहीं किया था, आज भी नहीं करूँगा। आप जानते हो लगभग लगभग 25 से 28 दिन होने को आए, हमने एनजी के बारे में कोई भी सपोर्ट की चर्चा नहीं करी। 180 से जो गिर रहा है वो गिर रहा है। यहाँ पर एक पूरा डिटेल में चार्ट के ऊपर एक जो है वो वीडियो अपडेट किया था कि क्या एनजी आधा हो जाएगा, ऐसी एक हमने यहाँ पर चर्चा करी थी। तो 180 के आसपास वो लेवल हमारा कुछ बना था। तो वहाँ से 180 से देखे दोस्तों तो 50 पॉइंट तो गिर चुका है। तकरीबन तकरीबन 30 पॉइंट तो सॉरी 30% की करेक्शन तो हो हमने यहाँ पर देखी है। मतलब आधे में अब 20% बाकी। अब होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। हमें सिर्फ रेजिस्टेंस पर ध्यान रखना है। नीचे में कोई सपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है, मतलब जो है वो वर्कआउट करे, क्योंकि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा खराब है इसका। तो हमें ये एक पहली चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेता हूँ क्रूड के बारे में, क्योंकि एनजी जहाँ पर ओपन होगा उसके बाद जो है वो मंडे को इसकी चर्चा करेंगे 11 बजे के आसपास जो वीडियो आएगा उसके अंदर। तो आप वहाँ पर समय हो तो जुड़ सकते हो। एनजी के क्रूड की बात कर लेता हूँ तो 6415 का एक लेवल जो है वो रेजिस्टेंस हम मान लेंगे। उसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ठीक होगा। और हमने एक चर्चा करी थी कि 6550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक दिक्कतें बनी रहेगी। तो वो लगभग लगभग वही लेवल के आसपास टॉप लगाकर यहाँ पर करेक्शन कर दिया है काफ़ी, 150 पॉइंट से ज़्यादा। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीखना समझना चाहो दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करके देख सकते हो, सीख सकते हो। अब ये जो क्रूड है वो दोस्तों एक रेंज के अंदर अब आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर की रेंज है 6415 के आसपास, नीचे की रेंज आएगी उसकी 6250 के आसपास। तो ये वाला उसका दायरा है, यहाँ पर ऑसिलेशन कर सकता है। 6415 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर इसमें छोटे छोटे जो ट्रेंड मुझे मिलेंगे, नज़र आएंगे, दिखेंगे, तो मैं ज़रूर आपके साथ मंडे टू फ्राइडे वाले वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। यहाँ पर वीकली है तो ब्रॉडर चर्चा करेंगे, वहाँ पर डे टू डे के बारे में जो संभावनाएं बनेगी उसके बारे में वहाँ पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये दोस्तों सीखना बिल्कुल मत भूलिए, मेन चीज़ जो है वो दोस्तों एजुकेशन है, सीखना है। अगर हमने सीख लिया, समझ लिया मार्केट को, तो हम खुद भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर करता हूँ पूरा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा हम करते हैं दोस्तों वो एजुकेशन के लिए, मार्केट को सीखने समझने के लिए है। इसके ऊपर आप रियल ट्रेड करो उससे पहले आप अपने साइड पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर अपना ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हो। वीडियो में बने रहे उसके लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।